आज जो है हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 जो है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम उसको ऑफिशियली शुरू करने से पहले, ताकि हमें पता हो कि हमने 8वें चैप्टर में क्या स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप लोग अभी तक जो है अपनी फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम का मतलब पढ़ते आए हैं वो तो ये था कि एक चीज़ का बैलेंस हो जाना, बट केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम यू हैव टिल नाउ। इक्विलिब्रियम के जनरल मतलब होते हैं कि एक चीज़ किस में है, बैलेंस्ड स्टेट में है। वो क्या है, बैलेंस है उसके अंदर हर तरह का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ दैट बैलेंस्ड स्टेट जिसके अंदर आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो, आपके पास बैलेंस्ड स्टेट में हो। इसका क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जांपल आपने ए प्लस बी जो है इनको आपस में रिएक्ट करवाया। शुरू में आपके, अगर ये आपका सिस्टम है जिसके अंदर ए और बी आपने डाले, तो शुरू में ए एंड बी की क्वांटिटी ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया और सी और डी देना शुरू कर दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ए और बी की क्वांटिटी कम होती जाएगी और सी और डी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो चेंज होता जाएगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि ए और बी की क्वांटिटी सी और डी की क्वांटिटी के मुताबिक बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी तमाम का तमाम यूज़ हो जाए और सारा का सारा सी और डी हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद आप देखें तो आपके सिस्टम में सिर्फ सी और डी मौजूद हो, ए और बी ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपके सिस्टम के अंदर ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और जो नई चीज़ें बनी हैं सी और डी वो भी मौजूद रहेंगे और एक बैलेंस्ड स्टेट में रहेंगे और ये स्टेट कहलाएगी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे कि अब हमारा जो सिस्टम है उसने इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लिया है। तो ये चैप्टर जो होगा हमारा, दैट विल बी ऑल अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, के जिसमें हम इक्विलिब्रियम और उससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं अपने रिएक्शन सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। तो जब हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में उससे रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे, और सबसे पहला जो लॉ है वो है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ जो है इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की बेस है। इसके ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है वो खड़ा हुआ है। और ये लॉ जो जो भी स्टेट करता है उसको तो हम डिटेल में देखेंगे। मेनली ये डील करेगा कंसंट्रेशंस को, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन को देखते हुए ये हमें एक डेफिनेशन देगा जो कि हम अपने टॉपिक आने पर पढ़ेंगे और फिर हम इसकी इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। उस इक्वेशन से बेसिकली जो चीज़ हमें मिलेगी वो होगी के सी, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जिसको हम रेट कांस्टेंट जो सा है वो भी कहते हैं। तो आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है दैट विल रिवॉल्व अराउंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि डिफरेंट रिएक्शंस का हम निकालेंगे। जब हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस के सी को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे, फिर हम एग्जांपल्स के तौर पे डिफरेंट फेमस रिएक्शंस का के सी जो सा है वो फाइंड आउट करेंगे इन द लाइट ऑफ दिस लॉ, और ये हमारे चैप्टर का मेन हिस्सा होगा। डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से हम जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे अबाउट द वैल्यूज ऑफ के सी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन एक एरिया आएगा वो होगा जी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो है हम डिफरेंट जोन से हैं इंफॉर्मेशन वो वाली देखेंगे कि एप्लीकेशन
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है अबाउट द रिएक्शन। जैसे कि इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी मिल सकती है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन के, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। इसी तरह हमें जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चल सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, कि आपके पास रिएक्शन जो है वो कितना परसेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन। तो हम इन सब टॉपिक्स को अपने वक्त पर आने पर पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बताता है। फिर उसके बाद इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो आएगा वो होगा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जो कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये प्रिंसिपल जो है ये हेल्प आउट करता है हमारी इंडस्ट्री को। इस प्रिंसिपल के ऊपर आपकी किसी भी रिएक्शन की प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है और मैं इसमें से अपनी प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैं अल्कोहल प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अल्कोहल की क्वांटिटी इस रिएक्शन से ज़्यादा बाहर निकले, उसके लिए मुझे प्रोडक्शन इसकी बढ़ाने के लिए मुझे जिस रूल पे देखना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल कारफरमा होगा, दैट विल बी द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जो कि हम अपने इस ली शैटलियर के टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस चैप्टर। ये सारा काम करने के बाद जो है हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वगैरह देखेंगे कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम का इफ़ेक्ट क्या होता है, और फिर हम इसकी इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्री में जो है आपके पास ली शैटलियर प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पर और क्यों क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी फिज़िकल एप्लीकेशन जो कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों में हो रही है उसको जब स्टडी करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट जो सा है वो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक जो है हम चैप्टर का तकरीबन आधा हिस्सा जो है, आधे से ज़्यादा वो हम कवर कर चुके होंगे। उसके बाद जो एरिया आएगा वो होगा पीएच से रिलेटेड। जो पीएच का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं कि 7 से कम होती है, 0 to 7 होती है तो एसिडिक है, 7 के ऊपर न्यूट्रल होती है, और 7 to 14 जो है वो बेसिक होती है। तो ये जो चार्ट आपने डेवलप किया 0 से 14 का, ये कैसे डेवलप हुआ, पीएच का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से शुरू होंगे और फिर हम उसको लेके चलते हुए उनके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल करते हुए हम पीएच का कॉन्सेप्ट जो है वो डिवेलप करेंगे, और इस चार्ट को जो है वो समझेंगे कि पीएच जो है कितनी हो तो एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल और 7 to 14 पे बेसिक क्यों होती है। इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करने के बाद और इनके कॉन्स्टेंट्स वगैरह को देखने के बाद जो है हम इस चैप्टर के तकरीबन एंड पे पहुंच जाएंगे, और एंड पे हमारे पास जो है वो एक टॉपिक आएगा कॉमन आयन इफेक्ट का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हम अपनी लाइफ में केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री या लैब्स के अंदर हम इसको, इसका अमल देखते हैं। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने टाइम पर पढ़ेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट के दो आयन जब हम कॉमन कर देते हैं तो एक जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आपके पास बफर्स आएंगे, बफर्स सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होते हैं अभी शायद आपको बताना मुनासिब नहीं है, बट दिस आल्सो कवर्स 2 to 3 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, जो कि बहुत आसान है, और इनका कॉन्सेप्ट जो है जब आप ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ के आ चुके होंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से जो है वो डिवेलप हो जाएगा। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द केसी एंड द रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड इक्विलिब्रियम एंड ऑल अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस। तो यहाँ पर आपको जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू देना जो है वो ज़रूरी था, कि आपको पता हो कि इक्विलिब्रियम में क्या होना है और आपने इस चैप्टर में कौन कौन से एरियाज़ को स्टडी करना है केमिस्ट्री के। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपके बुक में जो मेनली आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फर्स्ट चैप्टर में से, मोल का कॉन्सेप्ट है जिसमें, वो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला है, उसके न्यूमेरिकल्स,
और चैप्टर नंबर 8 या फिर 9 में से कुछ। तो मेनली इन तीन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझनी है, जो कि हम अपने लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, और अब हम नेक्स्ट टाइम जो है इसको स्टडी करेंगे फॉर्मली स्टेप बाय स्टेप इनटू आवर टॉपिक्स। तो दिस वाज द ओवरव्यू।